हेलो एवरीवन, कुकी तुमता में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट कटहल के पकौड़े की रेसिपी लेके आई हूँ, जो काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरी होती है। एक बार आप मेरी स्टाइल में बनाकर कटहल के पकौड़े देखें और इसे आम की चटनी के साथ एंजॉय करें, काफ़ी टेस्टी होती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आम की चटनी की रेसिपी मैंने अपने लिंक पर शेयर की है, तो चलिए पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कटहल लिया है। कटहल को हमने देखिए छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है और इसका हमने पीछे का ना छिलका निकाल लिया है और इसे हम कुकर में 5-6 सीटी में ना बॉईल कर लेंगे। और देखिए, हमने एक प्याज बारीक काट लिया है, हमने धनिया पत्ता बारीक काट लिया है और 5-6 हमने हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। और देखिए, हमारा कटहल ही बॉईल हो चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे ना, हाथों से मैश लेंगे। अच्छे से हमें मैश कर लेना है कटहल को। तो देखिए, हमने कटहल को अच्छे से हाथों से मैश लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करेंगे और उसके बाद हम 2 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल का आटा डालने से काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है और इसमें स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, चावल का आटा जब भी पकौड़े बनाएं ज़रूर डालें, इसी से हमारी पकौड़े क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। तो देखिए, हमने 2 चम्मच ना चावल का आटा ऐड कर दिया है। अब इसमें हमने जो प्याज बारीक काट कर रखा था, प्याज ऐड कर देंगे, धनिया पत्ता ऐड कर देंगे, हरी मिर्च को ऐड कर देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। और इसमें ना हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और 1 छोटा चम्मच हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर आप चाहो तो डालो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। हमने थोड़ा तीखा के लिए हमने डाल दिया है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अब मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और देखिए, हमने अच्छे से इसे हाथों से मैश लिया है। इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है, या बिना पानी के ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो देखिए, हमने इसका मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, पर एक छोटी सी गोली लेंगे और इसे हम टिक्की का शेप देंगे। आप किसी भी तरह से बना सकते हो, गोल भी बना सकते हो। हम टिक्की का शेप दे रहे हैं। देखिए, इस तरह से अंगूठा से दबाते हुए चारों तरफ से टिक्की का शेप देके पहले हम टिकिया तैयार कर लेंगे इसका। और इसी तरह हम सारे टिक्की को तैयार कर लेंगे। देखिए, हमारी सारे टिक्की बनकर तैयार हो चुकी है और हमने कढ़ाई में सरसों तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और देखिए, हमारी तेल गर्म हो चुकी है तो हम क्या करेंगे, अब एक एक करके सारे टिक्की को ना हम कढ़ाई में डाल देंगे। और एक एक करके हम सारे टिक्की को कढ़ाई में डाल देंगे। और अभी हमने गैस के फ्लेम को हाई रखा है, बाद में मीडियम कर देंगे। तो देखिए, हमने सारे टिक्की को एक एक करके डाल दिया है। एक बार में हमने 6 टिक्की को डाला है और अभी हमने गैस का फ्लेम को ना मीडियम कर दिया है और इसे हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरी होती है, तो आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी कटहल की पकौड़े की रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए, एक तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब इसे हम पलटी कर देंगे। और इसी तरह हमें अलट पलट करके अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है और हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है। तो देखिए, दोनों साइड से हमारी टिक्की जो है क्रिस्पी हो चुकी है। तो अब इसे हम क्या करेंगे ना, इसे हम निकाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कटहल की कुरकुरी क्रिस्पी टिक्की बनकर तैयार है। आप इसे पकौड़े बोले या टिक्की बोले, इसे हमने आम की चटनी के साथ सर्व किया है, काफ़ी टेस्टी होती है। तो आप एक बार इस तरह बनाकर जरूर देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।